आप दोगे? नहीं 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 भाई, बात करी जाए अगर शॉर्मा खाने की ना, तो लोग प्यारी सी जगह अमर कॉलोनी की मेन मार्केट में, आप मार्केट में छान लो। तो राहुल भाई के साथ आ रखा था, राहुल भाई ने बोला भाई कुछ खाने का मन कर रहा है। मैंने बोला भाई मोमोज तो हमने खा रखा है, मोमोज के अलावा काफी रोल होता है, ये सब भी हमने खा के टेस्ट कर लिया। तो राहुल भाई कह रहे थे चल फिर कोई बढ़िया से चीज बताया। मैंने बोला चलो फिर कुछ खाने का मन है तो तुम्हें आओ मेरे साथ, अपने शॉर्मा खिला के दिखाता हूँ बढ़िया से। भैया है सारी चीजें बनती है फ्रेश, जिस तरीके का लॉट होता है ना, सारी चीजें फ्रेश बन के दिखाएंगे। क्यों शॉर्मा इनके लिए फेमस है, क्यों लोग इनके पास आके खाना पसंद करते हैं, क्यों लोगों की भीड़ आती है, क्यों लोग दीवाने हैं इनके खाने के लिए, तो भैया के पास चलते हैं। आओ मेरे साथ और आपको दिखाता हूँ भैया के पास। आप जहाँ रखा हूँ मैं भैया के पास, मैंने आपको बताया ना भैया एकदम फ्रेश बनाते हैं। तो सबसे पहले प्यारा सा नाम बताओ भैया अपना। ठीक है पाजी, एक बात बताओ कितना टाइम हो गया काम करते हुए? ठीक है, मुझे उसे 5 साल हो गए। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे पाजी? अच्छा, जॉब में मजा नहीं आया? अच्छा, बात आपने सही कही पाजी, अपने काम में ये है कि बंदा खुल के भी रह लेता है और आजादी रहती है। सबसे बड़ी बात मान लो कहीं जाने को है तो फिर पूछना नहीं है नौकरी में, कैसे भी कर सकता है। एक बात बताओ, जो अभी आपने लॉट रखा है शॉर्मा का, एकदम फ्रेश लॉट है? ठीक है, और ये बनाने का जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, मतलब लेके माल सुबह आ जाते हो आप लोग? सुबह जाते हैं। ठीक है, 12 बजे रेडी करना पड़ता है मसाले वसाले मिलाकर। ठीक है, 12 बजे ओपन हो जाते हैं, 12 बजे रेडी हो जाता है हमारे साथ। अच्छा, कोई दुकान अगर बात करी जाए बंद रहती है दुकान कभी? नहीं, 7 डेज ओपन है। 7 डेज ओपन। यार आप तो बड़े मेहनती आदमी लग रहे हो भाजी, देख के 7 दिन लगातार काम करते हो इसी रफ्तार में, जिस तरीके से भी चला रखी है गाड़ी। ठीक है, थकते वकते नहीं हो भाजी? कुछ काम ही नहीं है सर। अच्छा, और हमारी वीडियो देख रहे हैं भाजी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? और घर बैठे कोई मंगाना चाहता भैया तो होम डिलीवरी हो जाती है सर? होम डिलीवरी। ये क्या अभी ये रुमाली रोटी? नहीं, शॉर्मा रोटी होती है सर। ठीक है, तो ये भी भैया घर पे तैयार करते हैं? रेडीमेड लाते हैं। ये रेडीमेड लेके आते हो? ठीक है, ये भी कितना निकल जाता है ऑन एवरेज? वन के 700 निकलता है हमारा, तो ऑन एवरेज 400-500 पराठे सेल आउट हो जाते हैं। बढ़िया भैया, दीवानगी मचा रखी है। तो ऑनलाइन भी भैया अवेलेबल है? अच्छा, बिरयानी कॉर्नर हमारे, बिरयानी कॉर्नर। ठीक है भैया, कोई और ब्रांच व्रांच भी है? नहीं सर, अभी फिलहाल यही है। ठीक है, तो भैया भविष्य में चाहते नहीं हो कि एक आधा रेस्टोरेंट खुल जाए, बड़े बड़े जैसे लोगों को खुलते हैं? तैयारी चल रही है। अच्छा, होने वाली है। हमें बता दो भैया कहाँ पर हम जाके वीडियो बना लेंगे? अभी होगी, अभी होगी। फिर भी कहाँ पर? गड़ी में है। अच्छा, तो प्रॉपर रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी चल रही है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ से बढ़िया पैसा कमा लिया भैया, रेस्टोरेंट में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो है ना, बढ़िया से यहाँ पैसा छाप लिया। चलो बढ़िया भैया, देखो अगर आप मेहनत भी मिलता है। अच्छा, ठीक है, तो लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मतलब देख रहा हूँ और लोग काफी पसंद कर रहे हैं भैया खाना। सामने भैया डालेंगे, ये क्या डाला भैया बता दो? ठीक है, इसको खुद तैयार करते हो? ये भी खुद से तैयार करते हो? और एक बात बताओ भैया प्यार से, और ये जो तैयार करते हैं? ठीक है, ये भैया ने हमारे को बना के दे दिया एकदम फ्रेश लॉट, देख लो भैया एकदम बढ़िया। तो ठीक है भैया, टेस्ट करके बताते हैं, और थैंक यू सो मच जो आपने हमें टाइम दिया। चलो, अच्छा भैया की दुकान पर आ रखा था तो दो बंदे मिले भैया से, बढ़िया सा चिकन शॉर्मा खा रहे हैं, देख लो भैया कितनी जल्दी जल्दी खा रहे हैं रफ्तार से, जिस तरीके से ट्रेन जा रही होती है ना शताब्दी, उस तरीके से भैया लोग खा रहे हैं। एक बात बताओ भैया, अपना नाम बताओ प्यारा सा। कपूर। अच्छा, हंसी क्यों आ रही है आपको पहले ये बताओ आज? ऐसे भैया। अच्छा, कितना टाइम हो गया भैया के पास खाते हुए? हो गए 2 साल हो गए। 2 साल से लगातार यही चीज खा रहे हो, मन नहीं भर जाता भाई? क्यों यार, टेस्ट इतना अच्छा है ना, टेस्ट इतना अच्छा है। अच्छा, क्या क्या डाल रखा होता है थोड़ा सा बताओ? बस खाने का, खाने से मतलब है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या डालता है क्या नहीं डालता, टेस्ट अच्छा करना चाहिए। डेली आते हो भैया खाने? नहीं डेली तो नहीं, ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के आ जाता हूं। अच्छा, तो खाना वाला नहीं खाते, जो यही यही खाते हो, मोमोस वोमोस नहीं खाते? सिर्फ यही खाने के शौकीन हो? अच्छा, भैया ने पैसे वैसे तो नहीं दे रखे? नहीं नहीं। अच्छा, और आप बताओ भाई आपका नाम क्या है? स्पॉन्सर्ड नहीं है। स्पॉन्सर नहीं है ना? नहीं, नहीं। अच्छा, आप शिवम, आपको कितना टाइम हो गया?
और ये जिस दिन नहीं आए, ऐसा क्यों यार? अच्छा तो मतलब यार अपना भी तो खुद का वो होता है ना कि भैया आज ये नहीं गया तो मैं अपने से खुद से चल, क्रेज ही नहीं है फिर आपको, मतलब इनको क्रेज है, ये अपनी बॉडी शॉडी बना रहे हैं इसी को खा पी के, मुझे बहुत, और आप ये है कि भैया आएंगे तो आ जाएंगे। अच्छा बैलगाड़ी वाली बात है कि भैया चल पड़े तो हम चल पड़ेंगे, नहीं तो अपना कोई बैठ गए। अच्छा और बताओ कैसा लगता भैया की दुकान पे टेस्ट? बेस्ट है भैया यहाँ पे। अच्छा यहाँ के 5 किलोमीटर के रेडियस में बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। करो भैया जबरदस्ती की तारीफ भी करनी है थोड़ी सी हमें? नहीं नहीं हम तो सच कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, दिल से निकल रहा है। तो भैया अब हम भी भैया के साथ अपने टेस्ट करते हैं, भैया के साथ हमने भी शोरमा खा रखा भैया इनका नहीं खा रखा, चलो भैया को शोरमा नहीं पसंद हो सकता है, हम करके टेस्ट बताते हैं भैया किस तरीके का होता है क्या। मैं तो टेस्ट जो है ना, मैंने आपको बताया टेस्ट इसमें बढ़िया हो रहा है, अंदर अच्छे से इंटीग्रेंट डाल रखे हैं, दूसरी बात मसाले को ना अच्छा से मैशअप कर रखा है, अगर मसाला को मैशअप नहीं करेंगे तो भैया मजा नहीं आता। शोरमा खाने का सबसे मेन निशानी यही है कि चिकन का अच्छे से मैशअप कर रखा है, सारी चीजों को अच्छे से घर पे बनाते हैं, सारी चीजें घर पे तैयार करते हैं, जब भैया घर पे सारी चीजें तैयार कर रहे हैं तो टेस्ट भी आ रहा है और लाजवाब टेस्ट आ रहा है, आपको खा के ना मजा आएगा, सॉफ्टनेस है, क्रंच आ रहा है, तो खाओ यार शोरमा। आपको क्या करना है, मार्केट में आना है अमर कॉलोनी में, जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं उन लोगों को टैग कर देना, नहीं तो भैया मेरी वीडियो के थ्रू मैसेज भेज देना है कि भैया की दुकान यहाँ खुल रखी है, और पिछले 18 साल से भैया प्यार से सर्विस दे रहे हैं लोगों को, टेस्ट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में।